उधर हरदा के रनहाई कला गांव में रास्ता ना होने से ग्रामीण जन जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। ऐसे में ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कलेक्टर से इसकी समाधान की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि बालागांव कुकरावत समेत दर्जनों गांव पहुंचने के लिए नदी पर पुल बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने जो रपटा बनवाया था उसे ब्रिज कॉरपोरेशन ने तोड़ दिया है और उसकी जगह कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है, जिस कारण दूसरे गांव जाने के लिए कोई भी रास्ता फिलहाल नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर कलेक्टर आदित्य सिंह का कहना है कि ग्रामीणों के लिए वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। पड़ी है फंस के यहाँ, उसको अभी हम 8-10 लोगों ने बड़ी मुश्किल से कीचड़ से बाहर निकाला है। ये सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के कारण ये हो रहा। तो क्या समस्या मतलब कि कब से आ रही हो, किससे आ रही समस्या? समस्या ये है कि पहले यहाँ एक 7-8 लाख की लागत से किसानों ने एक पुल बनाया था अस्थाई रपटा, उस पर नीचे मोटे पत्थर और ऊपर मुरम डाल के कम्प्लीट करा था, वो 10 साल से था कम्प्लीट। ये ठेकेदार ने जब ये पुल का काम लिया और ये पुल जो जिस जगह बन रहा वहां से वो तोड़ के और ये सिर्फ मिट्टी डाल दी 6-7 पाइपों के ऊपर, जबकि उसमें 24 पाइप लगे हुए थे जिससे पानी पूरा क्रॉस हो जाता था। ये 6-7 पाइप लगाया, बाकी पाइप उसने बेच दिए और ये मिट्टी डाल दी, इसके ऊपर कोई मुरम नहीं कुछ नहीं डाला। अब वो बारिश में मिट्टी बह गई, अब वो रास्ता तैयार भी नहीं कर रहे क्योंकि उनको उस साइड जाना नहीं है, उनका मटेरियल इस साइड ही पड़ा है।